हिटलर इतिहास के उन व्यक्तियों में से एक है जिन्हें सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। यह हिटलर ही था जिसकी वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध था जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी और कई घर बर्बाद हुए थे। हिटलर से ज्यादा भयावह इंसान शायद ही इस धरती पर पैदा नहीं हुआ था। एडल्फ हिटलर एक ऐसा नाम है जिसके नाम से सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक समय में कांपता था। युद्धों पर उसके द्वारा किए गए अत्याचार से एक बार ऐसा लगा था जैसे इस दुनिया में मानवता ही खत्म हो गई है। वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स स्टोर, आप देख रहे हो पवित्र म्यूजिक एंटिक। आज के इस वीडियो में हम हिटलर के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। एडल्फ हिटलर की मां क्लारा हिटलर गर्भपात कराने का मन बना चुकी थी लेकिन एंड वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया था। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, वो कभी कॉलेज भी नहीं गए थे। बचपन में ही एडल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करते थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था। 1905 में पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग में भाग्य आजमाया लेकिन उसे स्कूल ऑफ आर्ट और अन्य आर्ट एकेडमी से भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। अंततः तो हिटलर ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। एडल्फ हिटलर ने अपनी मां की मौत और आर्ट स्कूल से दूसरी बार रिजेक्ट होने के बाद बेघर हो गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिश सैनिकों ने घायल जर्मन सैनिकों की जान बख्श दी थी। ये खुशनसीब सैनिक एडल्फ हिटलर ही था लेकिन बाद में इसने ही चुन चुन के यहूदियों को कत्लेआम किया था। यहूदियों पर इतना अत्याचार करने के बाद भी हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सकता। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे तब तो भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8.1 गोल से हरा दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद को खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपने सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी थी। हिटलर की जिंदगी का वह दिन सबसे खुशी भरा था जब सन 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। हिटलर को चॉकलेट बहुत पसंद थी और वह एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट जरूर खा जाते थे। साल 1939 में एडल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। हिटलर ने इंग्लैंड की राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल को विस्फोटक चॉकलेट से मारने के प्लान बनाया था मगर वो नाकाम रहा था। शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हिटलर के पास सिर्फ एक ही अंडकोश था इसलिए वो कभी पिता नहीं बन पाया। हिटलर सेक्स लाइफ को बढ़ाने के लिए बैल के बीज से बने इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था ताकि उसकी जवान गर्लफ्रेंड को खुश रख सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात के वक्त जर्मन तानाशाह एडल्फ हिटलर बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। उसने अपनी किताब में भारत और भारतीय के बारे में कोई अपमानजनक बातें भी लिखी थी। जब नेताजी ने हिटलर से इन बातों को उल्लेख करते हुए हिटलर से नाराजगी जताई तो उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली थी। उन्होंने विवादित बात हटाने की वादा भी किया था। आधुनिक इतिहास में हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया था। इतना कत्लेआम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बना दिया था। हिटलर की पेट फूलने की समस्या से ग्रस्त था, इसके लिए वह 28 टाइप्स की दवाइयां लेते थे। एडल्फ हिटलर ने वॉक्सवैगन बैटल कार बनाने का आइडिया एक यहूदी इंजीनियर के पास से ही चुराया था। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1.10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध के कारण में लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे। चार्ली चैपलिन की मूंछ भी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए उन्हें भी उन्हीं की तरह मूंछें रखने लगा। हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूंछें भी कहा जाता है। हिटलर को ड्रग्स का लत लग गई थी। वह हर रोज 18 प्रकार का ड्रग्स सेवन करता था। उसका स्वास्थ्य काफी गिर गया था और शरीर का हर समय कांपता रहता था। वह तो आईड्रम में भी 10% कोकीन मिलाता था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने नहीं हारता तो हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिया था।
सिकंदर मोहन, नेपोलियन और हिटलर ये सभी बिल्लियों से बहुत ज्यादा डरते थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि हिटलर ने मित्र देशों के सेना को बर्लिन पहुंचने पर अपनी पत्नी ईवा के साथ एक भूमिगत बंकर में आत्महत्या कर ली थी, मगर जेराई ब्लेसम और उनके सहलेखक सिमोन डेस्टन ने अपनी किताब ग्रे उल्फ स्केप ऑफ एडल्फ हिटलर में यह दावा किया है कि दरअसल हिटलर 1945 में बर्लिन स्थित भूमिगत बंकर में नहीं मरा था। अमेरिका से हुए गुप्त समझौते के तहत ईवा ब्राउन के साथ साउथ अमेरिका देश की अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो 1962 में अपनी मृत्यु तक रहे थे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और आपको इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल के आइकन जो प्रेस करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।